वेलकम टू इंस्टॉल लाइव स्क्रीन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त काफ़ी शानदार तरीके से एवरीवन चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UGC नेट एंड GRF के एग्जामिनेशन डेट के बारे में, क्योंकि फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दो वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, एक नोटिफिकेशन के ऊपर और एक फॉर्म फिलिंग के ऊपर, तो दोनों वीडियो का आप लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि UGC नेट एंड GRF, ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम डेट कब तक होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज का मैं यूज़ करता हूँ, एंड देन फिर से उन तमाम ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज़ करते हुए फिर से ये एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। लेकिन वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर यानी ज्ञान स्टोर लाइव स्क्रीन पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वहाँ पे हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन या जो भी वहाँ पे जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स NTA के द्वारा या UGC नेट के द्वारा अपलोड किए जाते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सबसे पहले अनइंस्टॉलाइज अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम लोग डालते हैं, ठीक है, जैसे ही वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से भी मिलता है वहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को मैं शुरू चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर बात कर लूँ, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, तो यहाँ पे NTA पहले जो भी ऑफिशियल वेबसाइट था उसमें बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, बहुत सारे अपडेट कर दिए गए हैं। साथ ही आपका जो एग्जामिनेशन के बारे में जो बात कही जाती है, ठीक है, कि यहाँ पे दिसंबर 2021 और जून 2022 हो चुका है, मर्ज हो चुका है, 6% रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है, एज़ पर UGC रूल, ठीक है, UGC रूल। तो एक बात और, मैं ये वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक बड़ा वाला मैं नोटिस के तौर पे आप लोगों के सामने मेंशन करना चाहता हूँ कि देखो, रिजल्ट आने के बाद हो हल्ला मचाने से बढ़िया है कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है और हम लोगों को अभी चाहिए कि हम लोगों को डिमांड करना चाहिए कि 6% नहीं, एक्चुअली में हमें 12% रिजल्ट चाहिए। अगर इस तरीके से UGC ने अपने माइंड में थोड़ा सा भी प्लानिंग कर रखा है, अगर थोड़ा सा भी उनके माइंड में फितूर अगर चल रहा होगा कि दो एग्जामिनेशन को एक साथ लो और 6% रिजल्ट दो, तो यकीन मानो बहुत सारे बच्चे कभी भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, थोड़े थोड़े मार्क्स उनका रिजल्ट हमेशा 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 फंसेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। तो उस समय रिजल्ट आने के बाद जो हो हल्ला हम लोग मचाते हैं मिल करके कि भैया 6% नहीं 12% रिजल्ट दो, बच्चे भी कहते हैं कि सर 6% नहीं 12% के ऊपर लड़ा जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स टाइम अभी ही है, वक्त अभी ही है कि अभी ही UGC नेट से डिमांड किया जाए कि भैया 12% इस बार रिजल्ट दो, तभी हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे या फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। इस तरीके का डिमांड होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तरीके का डिमांड आप नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, यूँ कहा जाए तो दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो एग्ज़ाम आपको लिया गया था और बच्चों के साथ जो धोखा हुआ 6% रिजल्ट दे करके, वही धोखा इस बार भी होगा दिसंबर 2021 और जून 2022 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने दो मुद्दे को हमने कवर किया है। पहला तो ये है कि हम लोगों को डिमांड अभी ही करना पड़ेगा 12% रिजल्ट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि नेट GRF में आपका सिलेक्शन हो, आप GRF, ठीक है, फेलोशिप मिले आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर मिले, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दो एग्जामिनेशन को एक साथ मर्ज किया जाए तो आपको 12% रिजल्ट दे, कम से कम मिनिमम 12% रिजल्ट दे, ठीक है। दूसरा हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिरकार आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, उन तमाम चीज़ों को हम बात करेंगे। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो एक नज़र इस पे मारते हैं, इस PDF पे मारते हैं, देन उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे कि सोर्सेज के मुताबिक हमें क्या कहा गया है और सोर्सेज ने हमें क्या कहा है कि एग्ज़ाम कब तक होना है, ठीक है, किस महीने में आपका ये डेट आने वाला है, तो ये तमाम चीज़ें के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड जो भी यहाँ पे दिया गया है इन्फॉर्मेशन उसको बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कवर किया हुआ था कि 30 तारीख से आप लोगों का फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, 20 मई तक आपका फॉर्म चलेगा और साथ ही इसमें आप सुधार भी कर पाएंगे, वो भी डेट्स यहाँ पर मैंसन किया गया है। फ़ी वगैरह के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, 1100, 1150, 250 रुपये, तो इसके ऊपर हमारा मुद्दा नहीं है, ये हम बात नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर एक और डेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 मई से लेकर के 23 मई तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, ठीक है।
अब जो मुद्दा हमारा बच रहा है, आखिरकार आपका एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन डेट कब होने वाला है, अनाउंस अभी नहीं हुआ है, तो आखिरकार एग्जाम कब होने वाला है, कौन से मंथ में होने वाला है, कौन सा डेट होने वाला है, इसके ऊपर अब हम बात करना शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जामिनेशन का जो पहले जो आपका फॉर्म फिल होगा वो 21 से लेकर के 23 मई तक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव रहने वाला है, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका 21 से लेकर के 23 मई तक चलने वाला है। फाइनली आप फॉर्म फिल कर पाएंगे 20 मई तक ही, बट ये लिंक ओपन रहेगा 23 मई तक, ठीक है। कोई भी संस्था अगर एडमिट कार्ड वगैरह जारी करती है तो वो 10 दिन एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले रिलीज़ करती है, ठीक है, 10 दिन पहले रिलीज़ करती है। और UGC नेट का तो 2 से 3 दिन पहले ये रिलीज़ करती है, तो इनका तो बात ही अलग लेवल का है, क्योंकि भैया ये अपने आप को UGC कहते हैं और इनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है, ऐसा UGC का कहना है, लेकिन हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसे हम दिखाएंगे। अगर आप 10 दिन पहले कहते हैं तो 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड दीजिए, ये डिमांड है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, जो नए चेयरमैन बने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, एंड जो NTA के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10 दिन पहले तो आपको एडमिट कार्ड देना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही एग्जामिनेशन डेट के ऊपर बात करूँ तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका जून मंथ में जाने वाला है, ठीक है, जून मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन जून मंथ में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वीक नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक नहीं होगा। आप कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो कौन से वीक में एग्जामिनेशन होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा फोर्थ वीक ऑफ जून, यानी कि फोर्थ वीक ऑफ जून में होगा, ठीक है, और सेकेंड वीक ऑफ द जुलाई में होगा, जुलाई के सेकेंड वीक में, ठीक है, और जून के फर्स्ट वीक में। आप कहोगे कि जुलाई के सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक ये सब क्या है, तो भैया देखो जो जून महीना है उसके चौथे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस वीक से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाए। जुलाई के फर्स्ट वीक का शेड्यूल कुछ ज़्यादा तगड़े तरीके से वो बुक्ड हो चुका है, यूँ कहा जाए तो UPSC का या UPPCS का एंड बहुत सारे अदर एग्जामिनेशंस भी हैं उन तमाम चीज़ों के लिए बुक हो चुका है। तो इसमें जो डेट बच रहा है वो सेकेंड जुलाई के सेकेंड वीक वाला जो जुलाई है उसके आसपास ही बचेगा, तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में होगा या फोर्थ वीक ऑफ जून में आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियली तौर पे यूँ कहा जाए तो ये जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगा, और सोर्सेज के मुताबिक क्या है, तो सोर्सेज का भी कहना यही है कि फोर्थ वीक ऑफ जून से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाने वाला है और थर्ड वीक ऑफ जून में एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये दोनों डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा, और सबसे पहले सबसे फास्ट वीडियो आपको अनइंस्टॉलाइज अकेडमी में ही मिलेगा, बिकॉज जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो मैंने आपको बताया था डेट वो एक्यूरेट 110% वो सही हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिएगा, वही डेट मैं अगेन एंड अगेन आपको बताया हुआ हूँ। और वीडियो डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं मेडिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेडिकली अनफिट टाइप का कुछ हो गया था मुझे जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरा साउंड से भी आपको लग रहा होगा कि अभी मैं फिट एंड फाइन हो चुका हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जामिनेशन है उसके बारे में हमने बात कर लिया, और एक जो बहुत बड़ा नोटिस के तौर पर नोट के तौर पर जो मैंने बताया था 6% या 12%, तो ये यही वक्त है, यही समय है यूनिटी दिखाने का, और यही वक्त है अपने डिमांड को आगे बढ़ाने का, ठीक है। हर व्यक्ति अपने स्टडी टाइम से 10 से 15 मिनट का निकालें, ये ठीक है, एक डेट फिक्स किया जाए ताकि ट्विटर पे लगातार एवरी डे ट्रेंड किया जाए। UGC नेट एंड JRF रिजल्ट 2022 का 12% रिजल्ट का डिमांड किया जाए, ठीक है। और 10 से 15 मिनट ऐसा नहीं है कि आप 24/7 आप स्टडी ही कर रहे हैं, 10 मिनट आप अपने करियर के लिए, आप अपने लाइफ के लिए निकाल ही सकते हैं, और वही 10 मिनट आपको 12% रिजल्ट दिलवा सकता है। अदरवाइज आप कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज मैंने जून 2021 वाला और दिसंबर 2020 वाले रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मगजमारी किया था, बहुत ज़्यादा मैंने इधर उधर किया, लेकिन कुछ भी वहाँ से हमको सफलता हासिल नहीं हुई है। तो समय यही है, मौका यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 12% रिजल्ट मिले तो डिमांड भी आज ही से होना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्विटर हैंडल का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे, और वहाँ से जाइए, उसे फॉलो कीजिए, ताकि जिस दिन से ट्रेंड चलाना शुरू होगा उस दिन से आप लोग कंटिन्यू उस वीडियो को, वो ट्रेंड आप लोग चलाएंगे, उस पोस्ट को आप कंटिन्यू ट्विटर पे ट्रेंड करवाएंगे, ताकि आवाज़ हमारी भी सुननी चाहिए लोगों को, क्योंकि 6% से काम नहीं चलेगा। आप 4 एग्ज़ाम ले चुके हैं, यूँ कहा जाए तो दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम, जून 2021 का एग्ज़ाम, दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम और जून 2022 का एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम हो गए, और इन चारों एग्ज़ाम में अगर 6-6% रिजल्ट दिया हुआ रहता तो टोटल होता है 24% रिजल्ट, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जामिनेशन में दिया गया है 6%, और फिर से 2 एग्जामिनेशन में दिया जाएगा 6%, और बच्चों की लग जाएगी लंका, ठीक है। यानी कि पिछले बार जो फेल हुए थे बहुत
कम चांसेस होगा कि जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, और साथ में एक बात और है, जो नए बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक बात है कि वो लोग भी हताश हो जाएंगे कि रिजल्ट तो आज 6% दिया जा रहा है, कहाँ जाऊँ ना जाऊँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय यही है, वक्त यही है और इसी पे काम करना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस 500 को ज़रूर क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इस बिना बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी आपका सवाल हो और कुछ भी आपको सजेशन देना हो ऑनेस्टोलाइज अकेडमी का, तो उसका मोस्ट वेलकम है, उसका स्वागत किया जाएगा। आप अपना कमेंट, आप अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।